हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जीके चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके की कुछ ट्रिक्स हैं उनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहली ट्रिक से। तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में ट्रिक्स बताई गई हैं। ट्रिक्स है हमारी, दो कवि राह में गीत गाते हैं, यानी दो कवि हैं वो राह में गीत गाते हैं। कवि हैं तो कवि से संबंधित है तुलसीदास जी। तो इस लाइन का अर्थ देखें हम तो इनकी जो रचनाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। दो कवि, दो से दोहावली, दो से दोहावली, कवि से कवितावली, और रा से रामचरितमानस, और है से हनुमान चालीसा, और गीत से गीतावली। ये है वो ट्रिक्स हैं जो कंप्लीट होती है हमारी। तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है ट्रिक्स में। दो कवि राह में गीत गाते हैं, बहुत ही सरल लाइन है। अगली ट्रिक है हमारी, कौन कौन से देश की प्रमुख मुद्रा है वो रुपये है। ऐसे कौन से देश है जिनकी मुद्रा है वो रुपये हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे जो कौन से देश है उनकी याद रखने की ट्रिक। ट्रिक है हमारी, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये आपको याद रहेगी। सरल है वो लैंग्वेज है ये, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये आपको याद रह जाएगी। माँ से मालदीप, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भाई भारत, ई से इंडोनेशिया, और से सेशेल्स, पाकिस्तान का पाकिस्तान आ गया। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक है, अगली ट्रिक है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उनके बारे में ट्रिक है हमारी। जम्मू एंड कश्मीर जाकर जो जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, ये ट्रिक है हमारी। जो का पानी पी बाबू, इतना याद रखना है। जो से जो जिला दर्रा, का से कारोकोरम दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, और बा से बनिहाल दर्रा, और बू से बुरजिल दर्रा। साइलेंट वर्ड्स हैं, कुछ इसमें साइलेंट वर्ड हैं उनके बारे में आपको पता चल गया होगा। पानी नी साइलेंट है, या पानी शब्द है वो पूरा ही साइलेंट मान सकते हैं आप। जो का पानी पी बाबू, ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की दर्रे हैं उन पर ट्रिक है वो कंप्लीट होती है। अगली ट्रिक है, कपास उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं उनके बारे में ट्रिक है। कपास उत्पादक प्रमुख देश, उनकी ट्रिक रहेगी CUIPS। ये शब्द आप दो तीन बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण देख लें हम कि CUIP का अर्थ क्या है। सी से आपको बता दें, सी से हो गया चाइना, यू से USA, और आई से इंडिया, और पी से पाकिस्तान, और एस से सूडान। ये ट्रिक है वो एस पर ख़त्म होती है। CUIPS, सी से चाइना, यू से USA, आई से इंडिया, पी से पाकिस्तान, और एस से सूडान। तो ये जो कपास उत्पादक देश है उनके नाम है जिनके बारे में ट्रिक बताई गई है। अगली ट्रिक है, जो मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है भारतीय लेखक व उनकी पुस्तक, उनके बारे में ट्रिक बताई गई है। ट्रिक है 20, AKA आका मालिक, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। 20 से BS नायपाल, जो 1971 में फ्री स्टेट पर थे, उनको बुकर पुरस्कार वो मिला था। 20 से सलमान रश्दी, 1981 में मिला था। और ए से अरुंधति राय, और ए के से किरण देसाई, और ए से अरविंद अड़िगा, ये ट्रिक हमारी कंप्लीट होती है, याद रखना आपको 20 AKA। अगली ट्रिक रहेगी हमारी, आकार के अनुसार ग्रहों के बढ़ता क्रम। आकार के हिसाब से हम देखें तो हमारे जो ग्रह हैं उनका बढ़ता क्रम है, उनके बारे में ये ट्रिक बताई गई है। ट्रिक है, बम सूप में वरुण का सौ, बम सूप में वरुण का सौ, ये लाइन आपको याद रखनी है। इसका स्पष्टीकरण देखिए तो बम का हो गया बुध, वैसे मैं स्वयं गया मंगल, सूप सू से शुक्र, पैसे पृथ्वी, और वैसे वरुण, वरुण का
वरुण लिखना है और रुण का रुण और सह से सव है अंत में, सह से सन्नी और वह से बृहस्पति, वह से वह किसी का आपको वह याद रखना है, बृहस्पति। तो ये ट्रिक हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली ट्रिक में हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य, जो इंडिया में बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में, उनके ऊपर एक ट्रिक बनाई गई है, वो कौन कौन से राज्य है। इस लाइन में आपको सारे राज्य वो मिल जाएंगे जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। ट्रिक है हमारी, राम महान है आप, राम महान है आप। ये लाइन है बहुत ही सिंपल है, सरल है याद रखनी, एक बार याद कर ली फिर भूलेंगे नहीं आप। राम महान है आप, इसका अर्थ देखिए, हम राम महान है आप, रा से राजस्थान, मै से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, है को साइलेंट रखना है, आप से आंध्र प्रदेश, आपसे आंध्र प्रदेश, है वो साइलेंट रखना है, कृपया करके है को साइलेंट रखें। राम महान है आप, रा से राजस्थान, मै से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, आपसे आंध्र प्रदेश। तो हमारी अगली ट्रिक्स है, भारतीय नदियों की ऐसी ट्रिक्स है जो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन जगह हमारी ट्रिक्स है वो काम करेगी। हमारी ट्रिक्स बता दें आपको, ट्रिक्स है हमारी समानता। समानता एक जो वर्ड है उनको याद रखना है आपको, समानता नाम है वो याद रखना है। ये एक नहीं दो नहीं लगभग तीन जगह आपको ये ट्रिक्स है वो काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं, समानता का अर्थ क्या रखा है हमने यहाँ पर, सह से साबरमती नदी, मैं माँ से माही नदी, और न से नर्मदा नदी, और ता से ताप्ती नदी। ये हमारी समानता की पहली ट्रिक्स है। अगली ट्रिक्स हमारे देखिए समानता की जो ट्रिक्स है कार्य की, जो ट्रिक रहेगी कार्य की। दोस्तों यही वो भारतीय नदियां हैं जो पश्चिमी की ओर बहती हैं, बाकी सब पूर्व की तरफ बहती हैं। ये जो नदियां बताई गई है आपको समानता की, ये नदियां पश्चिमी की ओर बहती है और बाकी सब नदियां वो पूर्व की ओर बहती हैं, ये इसमें खास बात है ट्रिक्स में। अगली दो नंबर बात है, यह वो नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। एक तो ये नदियां वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और एक ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये जो नदियां हैं समानता, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती।